हेलो एवरीवन, वेलकम टू तक्षशिला एजुकेशन। मेरा नाम है सौरभ वारे और एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपको पता होगा पिछले वीडियो से हमने स्टार्ट किया था इकोनॉमिक्स के नेशनल इनकम के टॉपिक को। ये टॉपिक एग्जाम के हिसाब से 100% इम्पॉर्टेंट है, यानी 99 भी नहीं कह सकते हैं कि 1% भी शक हो कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा। ये 100% श्योर है कि इससे क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, और आएगा भी तो हाई मार्क्स क्वेश्चंस में आएगा। अब नेशनल इनकम में हमने दो तरह की वीडियोस देख चुके हैं। नेशनल इनकम टूल्स, जिसके अंदर हमने बात किया था जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है, डोमेस्टिक को नेशनल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फैक्टर कॉस्ट को मार्केट कॉस्ट पे कैसे ले जाते हैं, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे कैसे आते हैं, इन सभी चीजों को हमने टूल्स में डिस्कस किया था। फिर सेकंड वीडियो में हमने वैल्यू एडेड मेथड पढ़ा। वैल्यू एडेड मेथड से यानी नेशनल इनकम निकालने के तीन मेथड होते हैं, कौन कौन से? वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। वैल्यू एडेड मेथड को हम पढ़ चुके थे, उसके अंदर हमने उसके क्वेश्चंस भी किए थे और उसको डिटेल में समझा था। तो वो 15 मिनट का वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा ये दोनों वीडियो को तो जाओ पहले इस वीडियोस को देखो, आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा ये वीडियो, या फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा दोनों वीडियो के लिंक को। तो जाएं और देखें, पहले उस वीडियो को देखिए, बहुत अच्छे से कंसेप्ट बिल्ड होगा, एक एक चीज को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप किया है मैंने, ठीक है। आज हम करने वाले हैं इनकम मेथड। इनकम मेथड एक ऐसा इंपॉर्टेंट मेथड है, हालांकि ज्यादातर क्वेश्चन वैल्यू एडिशन से आता है, लेकिन इनकम मेथड भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तीनों ही मेथड इंपॉर्टेंट है, तीन ही तो है, तो इनकम मेथड भी इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट मी, सबसे इजी मेथड जो है वो इनकम मेथड ही है। अब आप बोलोगे सर आप तो टीचर हो तो आप कुछ भी बोलोगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, मैंने कुछ बोला है तो मैं उसको प्रूव करूंगा कि क्यों ये सबसे इजी है। तो वेट कीजिए, उस चीज को प्रूव करूंगा। आइए एक क्विक रिकैप कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा था। हमने वैल्यू एडेड पढ़ लिया है, उसके अंदर क्या पढ़ा था एक छोटा सा कैप रिकैप कर लेते हैं, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है। क्या था? वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यही था। वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब क्या होता है? जितना आपने सेल किया है, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब जितने में आपने परचेज किया था। ध्यान है, सेल इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? सेल आता है और चेंज इन स्टॉक आता है, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या होता है? या तो सेल के नाम से दिया होगा या फिर चेंज इन स्टॉक, दोनों को एड कर लेते हैं। अगर कोई एक भी दिया है क्वेश्चन में तो भी इनफ है, यानी मुझे क्वेश्चन में सीधे दिया हुआ सेल तो भी हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट मानते हैं, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है जितने में उसको परचेज किया गया। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया था? वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये पहला फॉर्मूला बना था, ठीक है। फिर वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है? सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, याद है ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड में हमने पूछा था चेंज इन स्टॉक क्या होता है, सर ये भी तो बता दो। चेंज इन स्टॉक मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। इतनी चीजों को हम पढ़ चुके थे, होपफुली आपको ध्यान होगा, पेन चेंज कर लूं, होपफुली ये तीन चीज आपको ध्यान होगा। और तीनों चीजों को, सारे वैल्यू एडिशन को एड कर लेते हैं, जो भी वैल्यू एडिशन आता है वो क्या आता है? जीडीपी एमपी, यानी सारे ही वैल्यू एडिशन को ऐड करने के बाद आपके पास जो आता है जीडीपी एमपी, और इससे आपको जाना होता है कहां? आपको जाना होता है एनएनपी एट एफसी, जो कि हमारा नेशनल इनकम कहलाता है, ठीक है। इसको हमने पढ़ लिया था, इसी के लिए मैं इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, माफ कीजिएगा, इतना बस आपको रिकैप करवा दिया। अब हम चलते हैं इनकम मेथड पे और उसको डिटेल में डिस्कशन करते हैं, एक एक पॉइंट को, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं हर एक पॉइंट को मैं डिस्कस करूंगा आज। चलिए तो सॉरी, ये रहा आपके पास, जस्ट गिव मी अ मिनट। ये देखिए आपको दिख रहा है इनकम मेथड। अच्छा आप बोलोगे सर ये क्या है, मैंने बुक ही ले लिया है, क्योंकि आपको बुक रीडिंग आनी चाहिए। मैंने अपने पहले वीडियो में समझाया था आपका जो सीयूसीईटी डीयूसीईटी ये सब क्यों हो रहा है, क्यों? क्योंकि आपका कमांड ओवर द टाइम एंड आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। यही दो बेसिक मोटिव हैं जिसकी वजह से आपका सीयूसीटी डीयूसीटी करवाया जा रहा है। तो आपकी रीडिंग स्किल्स कहां से अच्छी होगी? जब आप बुक्स को रीड करोगे। नोट्स आपको मेरे भी बहुत सारे मिल जाएंगे, बट ट्रस्ट मी, मेरे नोट्स से भी ज्यादा अच्छा है बुक रीड करना। तो बुक रीडिंग कीजिए, और मैं आपको इसी बुक से पढ़ के बताऊंगा कैसे बुक को पढ़ते हैं और कैसे बुक को समझते हैं, और बहुत नोट्स से ज्यादा अच्छा होता है आपका बुक, ठीक है। चलिए इनकम मेथड स्टार्ट करते हैं। ये है इनकम मेथड।
बेसिकली इनकम मेथड क्या होता है, वैल्यू एडिशन में हम क्या कर रहे थे, सभी चीजों की वैल्यू देख रहे थे कि कोई चीज सेल परचेज कितने में किया गया। जैसे ये पेन मैंने 5 में परचेज किया था और 10 में बेचूंगा, तो 5 रुपए मैंने ऐड कर दिया, तो वो वैल्यू एडेड को जोड़ लेते थे और उससे नेशनल इनकम निकाल लेते थे। इनकम मेथड में क्या है कि सभी लोगों ने जो इनकम जनरेट किया, जैसे आपके पापा होंगे वो इनकम जनरेट करते होंगे, आपके भैया इनकम जनरेट करते होंगे, या बहन होंगी तो वो इनकम जनरेट करते होंगे, तो हमने क्या किया, देश में जितने भी लोग हैं ना सबका इनकम जोड़ लो तो भी नेशनल इनकम निकल जाएगा। क्योंकि अगर उन्होंने इनकम किया है तो कुछ ना कुछ तो रिसोर्सफुल चीज किया होगा ना, कुछ ना कुछ इकोनॉमिकल एक्टिविटीज तो किया होगा, तभी तो उन्होंने पैसे कमाए हैं। तो सभी के इनकम को जोड़ लो तो भी इनकम नेशनल इनकम निकल जाता है। तो सभी को इनकम, पूरे देश की इनकम को जोड़ना, तो सर देश में तो अलग अलग तरह की इनकम होती है ना, तो आइए सभी तरह की इनकम को पढ़ते हैं और जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो इनकम मेथड बेसिकली, चलिए इनकम मेथड में क्या क्या आ जाता है देखिए, नेशनल इनकम मेथड में क्या क्या आ जाता है, बेसिकली इनकम को फैक्टर इनकम याद रखना है। इन नेशनल इनकम में हमेशा फैक्टर इनकम आता है, नॉन फैक्टर इनकम यानी कि ट्रांसफर पेमेंट नहीं आता है। फैक्टर इनकम यानी कि जो अर्न किया गया, ये चीज मैंने नेशनल इनकम टूल्स में पढ़ाया है आपको। ठीक है, तो हमेशा नेशनल इनकम में अगर आपके 1 मार्क्स में या फिर ऐसे पूछ लिया जाए नेशनल इनकम में कौन सी इनकम आती है, तो हमेशा फैक्टर इनकम आती है जिसको अर्न किया जाता है, इसी को अर्न इनकम भी बोलते हैं। अब देखते हैं, जब हमने बोला कि सर पूरे कंट्री की इनकम को जोड़ लो, तो जब पूरे कंट्री की इनकम जोड़नी है तो किस तरह की इनकम हो सकती है, तो आइए क्लासिफाई करते हैं। तो इसको पहली कैटेगरी में डाला गया जहां पे है, पेन चेंज कर लेता हूं, ये ले लेते हैं, क्या है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, इस टर्म का मतलब क्या होता है, पहले एक एक वर्ड को समझते चलें। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय मतलब ये होता है कि आप किसी के कंपनसेट, मतलब वर्ड का मतलब क्या होता है कि इसके बदले में वो, इसी को बोलते हैं कंपनसेशन। जैसे आप अपने फ्रेंड से बोलोगे एक काम कर तुम मेरा पेन ले लो और अपने बदले में मुझे अपनी पेंसिल दे दो, तो ये पेन देना और पेंसिल लेना क्या होता है, कंपनसेशन। ऐसे ही आपके पापा भी तो कर रहे हैं ना, अगर वो जॉब में है तो वो अपनी सर्विस देते हैं किसी को और उसके बदले में उनको पैसे मिलते हैं, तो इसी को बोलते हैं कंपनसेशन। इन द एक्सचेंज ऑफ थिंग्स, आपने अपनी सर्विस दी, उसने अपने पैसे दिए, तो ये होता है कंपनसेशन। हर लोग तो ऐसे ही कमा रहा है, मोस्टली लोग नौकरी करते हैं तो ऐसे ही कमाते हैं। अब आप बोलोगे सर मेरे पापा तो बिजनेस करते हैं, रुकिए जरा उस पर भी आएंगे। ठीक है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय यानी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में क्या होता है, वेजेस और सैलरी इन कैश। या तो आपको वेजेज मिल सकता है या फिर आपको सैलरी, जो जो लोअर सेक्शंस होते हैं उनको वेजेज मिलता है, जो हायर सेक्शंस होते हैं उनको सैलरीज मिलती है इन कैश। बिल्कुल यही है ना, आप महीने भर काम करते हो तो पापा को पैसे मिलते हैं लिफाफ में डाल करके, तो क्या है, कंपनसेशन ही तो है। पूरे महीने आपके पापा ने काम किया तो उसके बदले में सैलरी मिली, और अगर पापा आपके थोड़े छोटे स्टेज पे हैं तो उनको वेजेस मिलता होगा, तो वेजेस एंड सैलरी इन कैश इनको जोड़ लिया, चलो इनको कार्ड जोड़ लिया। दूसरा एक और बंदा आया, वो बोला पेमेंट इन काइंड। सर ये पेमेंट इन काइंड का मतलब क्या होता है, अब देखिए क्या होता है ना, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनको पैसे तो मिलते हैं, बहुत सारी सर्विसेज भी मिलती हैं, यानी कि उनको जैसे आपने देखा होगा क्वार्टर मिल जाता है, गवर्नमेंट क्वार्टर मिलते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्वार्टर क्या था, जैसे सरकार उनको 80,000 सैलरी देना सोच रहा था तो क्या बोलेगा, बोलेगा मैं 50,000 ही दूंगा आपको। ठीक है, 80,000 उनके लिए, जैसे एक बैंक पीओ के लिए 80,000 की सैलरी अलॉट हुई थी सरकार ने बोला, तो बैंक ने बोला मैं सिर्फ और सिर्फ 50,000 दूंगा, 10,000 दे दूंगा घर रेंट के नाम पे, हाउस रेंट के नाम पे, मतलब उनको हाउस फ्री कर दूंगा मैं। ठीक है, और फिर बोला कि 10,000 पेट्रोल का दे दूंगा, गाड़ी का खर्चा दे दूंगा। ठीक है, और 10,000 बच्चों का खर्चा दे दूंगा। तो बेसिकली क्या है, ये सब चीजें जो हो रही हैं ये पेमेंट हो रही है लेकिन कैश में नहीं हो रही है। क्या पापा को जो सैलरी मिली वो कितनी थी, 50 ही मिली, घर मिल गया रहने को, आपको पढ़ने के लिए स्कूल में फ्री हो गया, आपको बहुत सारी चीजें मिल गई। तो ये सब क्या होता है, पेमेंट इन काइंड होती है, यानी पेमेंट तो हो रहा है लेकिन कैश में नहीं हो रहा है, काइंड में हो रहा है, यानी पैसे के बदले कुछ और ले लूं, समझ रहे हो। जैसे कि सरकारी दफ्तर में उसने बोला कि एक काम करो सैलरी तो नहीं बढ़ाएंगे, आपके बच्चों की स्कूल की फीस हम पे कर देते हैं, तो ये पेमेंट इन काइंड है, यानी कि रेफर टू द बेनिफिट ऑफ काइंड, लाइक रेंट फ्री एकोमोडेशन दे देना, यानी पैसे के अलावा अगर कोई और बेनिफिट दिया जा रहा है तो उसको बोलते हैं पेमेंट इन काइंड। ठीक है, जैसे मैंने आपसे काम करवा लिया, ठीक है, बहुत सारे काम करवा लिया मैंने आपसे अपना, मैंने बोला मोमोज खिला दूंगा, तो क्या मैंने आपको पैसे दिए, नहीं, पेमेंट इन काइंड दिया, मोमोज दिया मैंने आपको। ठीक है, तो ये क्या है, पेमेंट इन काइंड, पेमेंट इन सैलरी कैश कर लिया हमने, फिर पेमेंट इन काइंड कर लिया। तीसरा आता है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन द सोशल सिक्योरिटी। अब क्या है, सोशल सिक्योरिटी क्या होता है, जैसे आप अगर आपके पापा जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट नौकरी में, तो उनसे पूछना जरा पापा आपके लिए सिक्योरिटी क्या है, सरकारी नौकरी ही क्यों कर रहे हो, प्राइवेट नौकरी क्यों नहीं कर रहे हो।
तो बोलेंगे बेटा इसमें ना सिक्योरिटी है। पूछना क्या चीज़ की सिक्योरिटी है, तो बताएंगे कि बेटा ऐसा है कि मैं रिटायर हो जाऊंगा तब भी मुझे पेंशन मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है सभी, अब क्या है प्राइवेट फॉर्म भी और सरकारी फॉर्म भी सब पीएफ में पैसा जमा करते हैं। यानी आपको पता होगा अगर आपके जैसे आपके पापा की सैलरी 3,000 रुपये कटती है पीएफ के नाम पे, पूछना जरूर अपने पापा से, उनकी कटती होगी 3,000, 5,000, 10,000, 2,000 जरूर कटता होगा, ठीक है, पीएफ के नाम पे कटता है। तो ये जो है ना 3,000 रुपये आपके पापा पीएफ के नाम पे देते हैं, जो रिटायरमेंट के टाइम पे उनको पैसा मिलेगा, प्रोविडेंट फंड का पैसा मिलेगा। जितना पैसा आपके पापा रखते हैं ना उतना ही पैसा सरकार भी रखता है। जैसे आपके पापा ने 3,000 रखा तो उतना ही सरकार को भी रखना होता है या फिर कंपनी के ओनर को भी रखना पड़ता है। नहीं समझ में आया, जैसे सोच लीजिए मैंने पीएफ के नाम पे मेरी सैलरी है, मान लेते हैं, चलो इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, मैं थोड़ा सा साफ कर दे रहा हूं, जरा सा टाइम लगेगा, ठीक है। क्या है, मैंने बोला कि मैंने बोला पीएफ यानी कि सोशल सिक्योरिटी देंगे आपको, यानी रिटायरमेंट पे आपको पैसे मिलेंगे, अपने पापा को पूछना मिलता है। तो क्या है, मेरी कंपनी में मैंने एक लड़के को हायर किया जिसकी सैलरी मान लेते हैं 50,000 रुपये, मैं 3,000 रुपये एज अ गवर्नमेंट नॉर्म उसके पैसे पीएफ में रखने होते हैं। यानी उसकी सैलरी अगर 50,000 रुपये अपॉइंट किया है मैंने उसको, तो मैं उसको 50,000 नहीं दूंगा, मैं उसको दूंगा 47, क्योंकि 3,000 रुपये तो पीएफ के नाम पे काट लिए ना मैंने उसके, और 3,000 अगर वो रखेगा तो मुझे भी 3,000 उसके लिए रखना पड़ेगा ताकि जब वो रिटायर हो तो उसको 6,000 रुपये मिले। ऐसे ही करके हर महीना इकट्ठा होते जाता है, ठीक है। और तभी आपने देखा होगा रिटायरमेंट पे लोगों को 80 लाख 90 लाख ऐसे पैसे मिलते हैं, 20 लाख 30 लाख मिलते हैं, यही पैसे जो पीएफ के हैं यही इकट्ठे हो जाते हैं। जब 60 साल नौकरी करता है आदमी 60 साल की उम्र तक, तब तक क्या होते हैं बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। तो आप देखो क्या हो रहा है, एम्प्लॉयर यानी कि मैंने उस पर्सन को हायर किया था तो मैं एम्प्लॉयर हूं, मैंने जो पैसे उसके लिए रखे हैं उसके सिक्योरिटी के लिए रखे हैं वो भी तो उसी का इनकम था ना, मैंने जो पैसे उसकी सिक्योरिटी के लिए रखा है वो भी उसी का इनकम था। मैं आपके लिए तो नहीं रख रहा हूं ना, मैं उसके लिए रख रहा हूं जो मेरे लिए काम कर रहा है, तो उसके लिए मैंने पैसे नहीं दिए उसको, ठीक है, मैंने उसके नाम से पैसे रख दिए कि जब ये रिटायर होगा तो उसको इतने पैसे मिलेंगे जो कि यहां पे किया मैंने। तो ये भी क्या है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये भी जो कमाता है उसी को मिलता है, जो घर पे बैठे हुए हैं उनको, आपको तो नहीं मिल रहा होगा कुछ भी, पापा काम करते हैं तो उनको मिलता है। तो हमने क्या क्या देख लिया सर, हमने देख लिया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में वेजेज एंड सैलरी इन कैश, यानी कि पैसे में जब कोई ट्रांजेक्शन होगा, पैसे में जब बेनिफिट्स मिलेंगे तो उसको हम बोलते हैं वेजेज एंड सैलरी इन कैश। दूसरा है पेमेंट इन काइंड, यानी कि पैसे के अलावा अगर कुछ और पेमेंट किया जा रहा है तो उसको बोलते हैं पेमेंट इन काइंड। तीसरा है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी, यानी कि सोशल सिक्योरिटी एम्प्लॉय के लिए जो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है, कि मेरे एम्प्लॉय खुश रहे। टाटा सबसे ज्यादा करते हैं, टाटा अपनी एम्प्लॉय के लिए बहुत कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, कोविड में बहुत इंपैक्ट आया लेकिन टाटा ने अपने लोगों पर कभी कोई आंच नहीं आने दी। तो क्या कर रहा है, वो अपनी एम्प्लॉय के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए ही कॉन्ट्रीब्यूट करेगा ना जो उसके लिए काम करता है, आपके लिए तो नहीं किया था टाटा कुछ भी, ठीक है। अगला है पेंशन ऑन रिटायरमेंट, अब ये क्या है सर, पेंशन ऑन रिटायरमेंट, सर यहाँ जो कॉन्ट्रीब्यूट हुआ था वही तो यहाँ मिल रहा है ना, तो ये भी एक तरह से इनकम ही तो है आपकी। अच्छा यहाँ पे ना दो टर्म होते हैं, एक होता है पेंशन ऑन रिटायरमेंट, एक होता है ओल्ड एज पेंशन, ठीक है, दो टर्म होते हैं। अब आपसे ना कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा नेशनल इनकम में आएगा कौन सा नहीं आएगा, यानी कि पेंशन ऑन रिटायरमेंट तो नेशनल इनकम में आएगा तो अच्छी बात है, क्या ओल्ड एज पेंशन भी नेशनल इनकम के नेशनल इनकम में कैलकुलेट होगा? तो आपका जवाब बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से क्लियर होना चाहिए कि सर पेंशन ऑन रिटायरमेंट ये तो आएगा नेशनल इनकम में, बट ओल्ड एज पेंशन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पेंशन उनको मिलता है जो 60 साल तक सरकार की नौकरी करता है या फिर किसी जॉब कंपनी में 60 साल तक नौकरी करता है तब जाके उनको पेंशन मिलता है, सबको तो नहीं मिलता है ना। तो ये उसका अर्नड इनकम है, ये मेहनत की कमाई है। मैं 60 साल तक कुछ कुछ पैसा जमा कर रहा था तभी 60 साल होने के बाद मुझे वो पैसा मिल रहा है, तो वो मेरी मेहनत की कमाई थी सर। लेकिन ओल्ड एज पेंशन क्या होता है, ओल्ड एज पेंशन एक ऐसा पेंशन होता है जैसे सरकार चलाती है एक स्कीम चलाती है जिसके तहत जो भी 80 साल से ज्यादा के लोग हो गए हैं उनको 3,000 रुपये या 4,000 रुपये मंथली मिलता है, सरकार की स्कीम है। तो क्या उन लोगों ने कभी सरकार के लिए काम किया था क्या जो उसको 4,000 रुपये दे रहे हैं? नहीं, उन्होंने कोई काम नहीं किया। इसमें सिर्फ आपको 80 साल का उम्र तक जी जाना है तो आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा 3,000 रुपये महीना। लेकिन यहां पे आपको 60 साल तक नौकरी करना पड़ेगा, तो ये आपका अर्नड इनकम है, ये अनअर्नड इनकम है।
बस 80 साल तक जी गए तो सरकार पैसा देना शुरू कर दिया, तो ये एक ट्रांसफर पेमेंट है। आपने सरकार के लिए कभी कुछ किया नहीं बट फिर भी आपको मिल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं ओल्ड एज पेंशन। ठीक है, चार पॉइंट पढ़ लिया, सैलरी एंड वेजेस एंड सैलरी इन कैश, पेमेंट इन काइंड, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी, यानी एम्प्लॉयर जो कॉन्ट्रीब्यूट करता है अपनी एम्प्लॉई के लिए उसको हम बोलते हैं। फिर पेंशन और रिटायरमेंट, ध्यान रखना पेंशन और रिटायरमेंट नेशनल इनकम में आता है, ओल्ड एज पेंशन नहीं आता है इसमें, क्योंकि आपने मेहनत थोड़ी किया, ये तो ट्रांसफर पेमेंट है। 80 साल जी गए तो पैसा मिल रहा है, काम भरे जिंदगी भर में 80 साल की उम्र में एक भी काम नहीं किया होगा तब भी मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अब ये तो था पहला 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 टाइप ऑफ इनकम। ठीक है, अब दूसरा टाइप ऑफ इनकम पे चलते हैं जो कि है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब होता है कि किसी चीज को परफॉर्म करने से जो आपको पैसे मिलते हैं उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। जैसे कि देखिए, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये फैक्टर इनकम को पढ़ाते हुए मैंने आपको समझा दिया था कि ये अर्न इनकम होता है, ध्यान है। ठीक है, और इसमें और भी चीजें आती हैं प्रॉफिट को, और भी बेसिकली ऑपरेटिंग सरप्लस तीन ही होता है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये जब फैक्टर इनकम पढ़ाया था तो बता दिया था। प्रॉफिट को तीन हिस्सों में बांट दिया गया है। प्रॉफिट मतलब होता है डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है सर? जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीद लेते हो तो आपको उसके बदले में जो प्रॉफिट मिलता है उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, अकाउंट्स के बच्चे हो इतना तो आपको पता होगा डिविडेंड क्या होता है। ठीक है, फिर होता है कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स या कॉर्पोरेशन प्रॉफिट टैक्स। अब देखिए सर, प्रॉफिट टैक्स ये हमारा इनकम मेथड में कैसे आ गया? तो आप समझो, आपने जो इनकम, जैसे मैं 100 रुपये इनकम जनरेट किया था, इसमें से सरकार मेरे से 10 रुपये ले गई, 10 रुपये ले गई, लेकिन ये था तो मेरा ही इनकम ना सर। अब मेरे पास बच कितना गया? 90, क्योंकि 10 रुपये तो सरकार ले गई, लेकिन ये जो 10 रुपये था ये था तो मेरी ही इनकम ना। क्या थी? था तो मेरी इनकम। इसी के लिए कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स भी आता है, यानी कंप्लीट 100 रुपीज आएगा। ठीक है, अगला है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है जिसको हमने बांटा नहीं है अभी तक, क्योंकि प्रॉफिट बहुत सारे हिस्सों में बंट जाता है। जब प्रॉफिट होता है तो हम क्या करते हैं, कंपनी के कुछ डेप्रिसिएशन में डाल देते हैं, कुछ फर्दर फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए रख देते हैं, वो नहीं, वैसा प्रॉफिट जो अभी तक बंटा नहीं है। जैसे कि मैंने 1000 का सेल किया था, ठीक है, उसमें से 500 रुपये लेबर चार्ज था, यानी 500 रुपये मेरा प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। अब मैं 500 में से क्या करूंगा, 500 में से 200 रख दूंगा फ्यूचर काम के लिए, 100-300 रुपये अपने घर ले जाऊंगा, तो ये बंट गया ना, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये तीनों चीज आ जाता है, डिविडेंड, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। क्या क्या चीज पढ़ लिया हमने सर? इनकम मेथड में पहले पढ़ लिया हमने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में क्या था? सैलरी एंड वेजेज इन कैश, पेमेंट इन काइंड, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी एंड पेंशन ऑन रिटायरमेंट। ये चार चीज हम पढ़ चुके थे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में। फिर हम आगे ऑपरेटिंग सरप्लस पे। ऑपरेटिंग सरप्लस में हमने क्या क्या पढ़ा? रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। प्रॉफिट को तीन हिस्सों में बांटा जाता है, डिविडेंड, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अब चलिए आगे चलते हैं, अगला एक इनकम और बच गया, लास्ट है ये, इन मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम क्या होता है सर? मिक्स्ड इनकम क्या होता है समझिए, मिक्स्ड इनकम वो होता है कि आप ही इंप्लॉयर भी हो, आप ही इंप्लॉय भी हो, आप ही का घर भी है, सभी चीजें हैं। जैसे मान लो आपने सोचा कि यार पढ़ाई लिखाई तो मेरे से हो नहीं रही है, एक काम करते हैं, पापा ने एक दुकान डलवा देंगे, वही काम कर लेंगे, क्योंकि पढ़ाई लिखाई अपने बस की है नहीं, मान लेते हैं ऐसा। ठीक है, तो आपने क्या किया, अपने ही घर के बाहर ना एक शॉप खोल लिया। ठीक है, ये आपने डाल दिया, मान लीजिए आर्या स्टोरी खोल लिया मेरे नाम से। ठीक है, अभी क्या है, ये जो स्टोर आपने खोला है, ठीक है, तो अभी क्या है, ये आपने अपने घर के बाहर ही खोल लिया है, तो इसका आपको क्या रेंट पे करना पड़ रहा है क्या? मेरी ड्राइंग थोड़ी सी अच्छी है तो ज़्यादा क्रिटिसाइज करने की नीड नहीं है। ठीक है, तो क्या है, ये जो आपने शॉप खोल लिया, ठीक है, आर्या स्टोर, तो ये अपने घर के बाहर ही खोल लिया, तो क्या आपको रेंट देने की जरूरत पड़ रही है? मैं बना ही क्यों रहा हूं, ऐसे ही समझ जाओ ना आप, ये शॉप है। ठीक है, तो अभी क्या है, इस शॉप में आपने, आपको रेंट नहीं देना पड़ रहा है, आपको रेंट नहीं देना पड़ रहा है, जो कि अगर आप कहीं और शॉप खोलते तो आपको रेंट देना पड़ता, जो कि आपको नहीं देना पड़ रहा है। फिर आपने क्या किया, यहां पे आप एंटरप्रेन्योर यानी कि एम्प्लॉय भी आप हो, एम्प्लॉयर यानी आपका ही दुकान है और आप ही वहां पे ब्रेड, मक्खन, दूध बेचते हो, तो आपको लेबर चार्ज भी नहीं पे करना है, ना ही आपको वेजेस देना है, ना ही आपको सैलरी, यानी सभी चीजें आप ही की हैं, रेंट भी आपका है, लेबर भी आपका है, वेजेस भी आपकी है, सैलरी भी आपकी है, तो ये कैसा इनकम है सर? इसी को तो मिक्स इनकम बोलते हैं।
जब आप सभी सोर्स से आप ही कमा रहे हो, आप किसी को दे ही नहीं रहे हो कुछ भी, तो उसको बोलते हैं मिक्स इनकम। ये ज्यादातर कहाँ पे होता है, ये जब सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होते हैं तो उनके, जैसे आपको पता होगा सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होते हैं, जो खुद को ही एम्प्लॉय पे रख लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या हूँ, एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हूँ, मुझे किसी कंपनी ने हायर नहीं किया, मैं खुद से आपको पढ़ाता हूँ, मैंने खुद ही पढ़ाता हूँ, मैं ओनर भी हूँ, मैं टीचर भी हूँ, सभी चीज़ें मैं ही हूँ, अगर मान लेते हैं ऐसा, ठीक है। तो ये क्या है, मिक्स इनकम है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। मिक्स इनकम रेफर टू द इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन यूजिंग देयर ओन लेबर, खुद ही का लेबर है, लैंड कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप एंड द हाउस होल्ड एंटरप्राइज। एंटरप्रेन्योरशिप भी आपकी है, लेबर भी आपका है, लैंड भी आपका है, कैपिटल भी आपका है, तो सब चीज आप ही का है, तो प्रॉफिट भी आपका होगा, सैलरी भी आपका होगा, वेजेस भी आपका हो जाएगा, सब आप ही का है, इसी को बोलते हैं मिक्स इनकम। मिक्स इनकम हालांकि डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी 12th लेवल पे तो डिफाइन किया ही गया है। तो सर क्या पढ़ लिया हमने, आइए एक बार देखते हैं क्या पढ़ लिया हमने। हमने ये पढ़ लिया क्या, देखो हमने क्या पढ़ा, इनकम मेथड, ठीक है। इनकम मेथड में पहला हमने क्या पढ़ा सर, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में पहला क्या था, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, वेजेस एंड सैलरी इन कैश। दूसरा क्या था सर, दूसरा क्या था, पेमेंट इन काइंड, यही था। यानी कहीं भी क्वेश्चन में आपको ये दिख जाए या ये दिख जाए, समझ जाओगे सीधे इनकम मेथड की बात हो रही है। अगला क्या था, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। और क्या था आपको, पेंशन ऑन रिटायरमेंट, ठीक है। यहां पे बस ये ध्यान रखना है कि अगर ओल्ड एज पेंशन है तो कभी भी नेशनल इनकम में आएगा ही नहीं, जबकि पेंशन ऑन रिटायरमेंट आता है। उसके बाद और क्या पढ़ा हमने, और पढ़ा था ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या पढ़ा हमने सर, हमने पढ़ा रेंट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, यही पढ़ा, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट को तीन हिस्सों में बांट दिया गया था, क्या क्या था, रुको मैं पेन चेंज कर लेता हूं। प्रॉफिट को तीन हिस्सों में बांटा गया, कौन कौन सा था, पहला था डिविडेंड, दूसरा क्या था, डिविडेंड, फिर था कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, और क्या था सर, और था हमारे पास एक और रह गया ना, हाँ डिविडेंड, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक है। ये तीन चीजें थी, बिल्कुल थी। और क्या पढ़ा सर हमने, फिर से पेन पे आ जाते हैं, इसके बाद हमने पढ़ा एक और चीज, मिक्स्ड इनकम। यानी इतनी सारी बातें, इतनी सी चीजें होपफुली आपको अभी याद हो गई होंगी, अगर आप ध्यान से एक बारी वीडियो पॉज करके याद करो, रिमाइंड करो, तो आपको याद हो गई होंगी सारी चीजें। इतनी चीजों में से कहीं भी आपको अगर क्वेश्चन में दिखता है तो आपको पता है इनको ऐड करना है, और पता है आप कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, पेन चेंज कर लेता हूं फिर से, कौन सा कलर ले लूं, चलो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय की बात करूं या फिर ऑपरेटिंग सरप्लस की बात करूं, ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस की बात करूं या फिर मिक्स इनकम, इन तीनों इनकम को अगर आप जोड़ दोगे, इस तीनों इनकम को अगर आप जोड़ दोगे यानी सम कर दोगे, तो ये बन जाता है हमारा क्या, क्या बन जाता है, ध्यान दीजिए, वैल्यू एडिशन में क्या बना था, वहां पे जीडीपी बना था, जीडीपी एमपी, तो इनकम मेथड में क्या बनेगा, यहां पे बन जाएगा एनडीपी एट एफसी। यानी ऑपरेटिंग सरप्लस को, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को और मिक्स इनकम को, इन सबको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, एनडीपी एट एफसी। चलिए इसी बात को हम थोड़ा बुक में चल के देखते हैं, एक मिनट, ठीक है, ये रहा, ठीक है। अब देखिए यहां तक हमने पढ़ लिया, अब देखिए इन तीनों को जोड़ लेते हैं तो क्या आ जाता है, एनडीपी एट एफसी, ठीक है, इन तीनों को जोड़ लेते हैं तो क्या आ जाता है, एनडीपी एट एफसी, ठीक है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को, ऑपरेटिंग सरप्लस को और मिक्स इनकम को, तीनों को अगर हम जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा, एनडीपी एट एफसी, जिसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम, जिसको हम क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम। अब आपको पता है एनडीपी एट एफसी से
nnp@fc पे जाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ d को n में चेंज करना है, इससे ज्यादा भी कुछ करना होता है क्या? d को n में चेंज करना। डोमेस्टिक से नेशनल में जाते हैं तो क्या हो जाता है? प्लस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, सी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये आ जाता है हमारा NNP@FC, इसी को हम बोलते हैं नेशनल इनकम। तो क्या आपको ये पूरी बात समझ में आई? आइए फटाक से एक क्वेश्चन करते हैं और फिर इस वीडियो का एंड करते हैं। ये रहा आपके पास क्वेश्चन, आपको पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा बेटा आंसर मत देखें, ठीक है? एक बार समझ, चलो मैं आंसर को थोड़ा सा रब कर देता हूं यहां से। वैसे आप चीटिंग करना चाहोगे तो कर लोगे, लेकिन बेटा मत करो चीटिंग, तो अच्छा रहेगा, ठीक है? ये रहा, ठीक है? अब देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए, कैसे करना है आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन, ठीक है? कौन सा कलर ले लें? चलिए ये ले लेते हैं, ठीक है? आपको बोला गया है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी के कुछ इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं आपको। ऑन द बेसिस ऑफ द इन्फॉर्मेशन यूजिंग इनकम मेथड, इस इंफॉर्मेशन के बलबूते पे इनकम मेथड लगा के कैलकुलेट कीजिए डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, इनकम मेथड में, इनकम मेथड में डोमेस्टिक इनकम क्या होता है? डोमेस्टिक इनकम क्या होता है? NDP@FC, और इनकम में तो बस इनकम तो सब जगह सेम होता है NNP@FC, ठीक है? याद होगा वैल्यू एडिशन में अगर डोमेस्टिक इनकम बोलेगा तो वहां GDP@MP निकालेंगे, इनकम मेथड में अगर डोमेस्टिक बोलेगा तो NDP@FC निकालेंगे, ठीक है? चलो देखते हैं। वेजेज सर आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल आता है, अभी तो पढ़ा था, वेजेज आता है। रेंट इंटरेस्ट ऑपरेटिंग सरप्लस में, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट था, रेंट आ गया, इंटरेस्ट आ गया, डिविडेंड आ गया, आता है। पहले हम अंडरलाइन करते हैं क्या क्या चीजें आता है, ठीक है? ये तीनों चीज इनकम मेथड में आता है। मिक्स इनकम तो है ही इनकम मेथड का हिस्सा। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, याद है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट प्रॉफिट का ही हिस्सा है, ये भी आएगा। सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन, सोशल सिक्योरिटी में कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करना, ये भी हमारा इनकम मेथड में आता है, ठीक है? कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, अरे सर ये भी आता है, सारा ही आता है। चलो ठीक है देख लेते हैं क्या हो गया। ये भी आता है, यानी कि 10,000, फिर 5,000, ठीक है, 10,000, 5,000, फिर 400, फिर 3,000, फिर 400, फिर 200, फिर 400 और फिर 400, इन सब को ये सारा आता है। NFIA तो नहीं आएगा ना सर अभी बेटा, अभी क्या निकाल रहे हैं, अभी हम निकाल रहे हैं ये, तो NFIA तो अभी नहीं आएगा, ठीक है? चलो तो हमने देखा क्या करो, इसको ऐड कर दो, 10, 5, 15, 15, 3, देखो ऐसे ऐड करते हैं, ऐसे बहुत इजीली ऐड हो जाएगा। कहाँ गया हमारा पेन, कोई और नहीं है, चलो ठीक है रेड ले लेते हैं, आ जाओ। क्या है 10,000 प्लस 5 15,000, 15, 3, 18,000, 18, 4, 8, 2, 10, 18, 19,000, 19,400 और 400, 800, यानी कि 19,800, ये हमारा क्या आ गया सर, ये हमारा आ गया डोमेस्टिक। क्या आ गया? डोमेस्टिक, यानी कि इसको हम कह सकते हैं NNP@FC, बट हमें निकालना क्या है, डोमेस्टिक तो निकालना है, साथ में नेशनल इनकम भी निकालना है। नेशनल इनकम निकालने के लिए क्या करते हैं? प्लस NFIA, ये पढ़ा चुका हूं मैं, तो इसमें अगर हम प्लस NFIA कितना है, NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 1,000 है, प्लस 1,000 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 19,800 में अगर 1,000 और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 20,800। ये हो गया आपका नेशनल इनकम, जिसको कि हम इकोनॉमिक टर्म में क्या बोलते हैं, NNP@FC, ओके? तो बस इतना ही आसान क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिला है। माफ कीजिएगा अगर मैंने पेज को गंदा कर दिया है, तो आप थोड़ा साफ कर लेना या फिर मैं ही थोड़ा साफ कर दे रहा हूं, ठीक है? होपफुली आपको ये चीजें समझ में आई होगी। आइए चलते हैं फिर से अपने PDF पे, ठीक है? ये हमने कर लिया है। अब देखिए यहां से आपको ये चीजें तो क्लियर हो गई होंगी, इन सबको जोड़ने पर क्या आ जाता है, NDP@FC। अभी मैंने क्वेश्चन करके दिखा दिया, बस इसमें प्लस NFIA कीजिए और आप आ जाएंगे NNP@FC पे, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। तक्षशिला एजुकेशन यानी आपके लिए लेके आया है सभी तरह के कोर्स,
ठीक है, 12th के लिए क्रैश कोर्स हैं और 11th का एडमिशन के लिए बच्चों का वेलकम है। इकोनॉमिक्स यानी कि इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, बिजनेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, यानी सभी आर्ट्स सेक्शन से हो, कॉमर्स सेक्शन से हो, साइंस सेक्शन से हो, सभी बच्चों का वेलकम है अपने तक्षशिला एजुकेशन में। हमारा सिंपल सा स्लोगन है डिस्कवर योर बेस्ट, यानी कि हम आपको मेहनत करते हैं इस चीज़ के ऊपर कि आप अपना बेस्ट देके आएँ, ठीक है। पेपर में हम आपको देते हैं बहुत सारी चीज़ें, हम देते हैं यानी हमको स्ट्रैटेजी भी सिखाते हैं कि पेपर में क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, आपका एनालिसिस कार्ड भी बनता है कि आपको एनालिसिस किया जाए कि हर हफ्ते आप कितना इम्प्रूव कर रहे हो, आप अपने इम्प्रूवमेंट को चेक भी कर सकते हो। और यहाँ पे सभी टीचर 8 ईयर से ऊपर एक्सपीरियंस्ड हैं, यानी आपको बहुत वेल क्वालिफाइड टीचर यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं, तो मज़ा आएगा, पढ़िए। आप हमारे बैच में ज्वाइन कर सकते हो, ये नंबर दिया है 9818781682, इस पर कॉल कीजिए। आप हमारे ऑनलाइन मोड पे भी जुड़ सकते हो, आप हमारे साथ ऑफलाइन मोड पे भी जुड़ सकते हो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, तो ठीक है। आपको बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा आप इस नंबर पे कॉल करके ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, साइनिंग ऑफ सौरभ।